Hi, hello everyone, welcome back to your channel Jyoti Home Garden and Beauty Kitchen Tips and all my subscriber family, thank you. Friends, आज मैं आपके साथ हेयर कटिंग शेयर करने जा रही हूँ. फ्रेंड्स, मेरा डेली का वीडियो है तो हेयर कटिंग रिपीट हो ही जाती है. जैसे लोग डेली के काम दिखाते हैं घर के, वैसे मैं आपको पार्लर के काम दिखाती हूँ और मेरा पार्लर का वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ. अभी मैंने पहले कस्टमर की थ्रेडिंग भी की है, पर थ्रेडिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है. अभी कटिंग का कर रही हूँ क्योंकि उनको जल्दी थी, तो कैमरा लगाओ तो ऐसा लगता है कस्टमर को मेरी वजह से देर हो जाएगी, तो इसीलिए मैं कैमरा ऑन नहीं करती कभी कभी फोन. तो अभी कटिंग की है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो फ्रेंड, प्लीज वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए. तो शुरू करते हैं वीडियो. तो यहाँ पे मैं पहले पानी से स्प्रे कर रही हूँ बाल, जैसे हमेशा करती हूँ. अभी समर आ रहा है फ्रेंड्स, तो समर में कटिंग के कस्टमर आते ही हैं, तो मैं कटिंग आपके साथ अभी बहुत सारे शेयर करूँगी. जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वैसे, ज़्यादा से ज़्यादा तो लेवल कट ही ज़्यादा चलती है. तो जैसे मैं हमेशा हेयर कट करती हूँ, पहले बीच में की गाइडलाइन काट लेती हूँ और बाद में साइड के बाल हेयर कटिंग करती हूँ, तो इससे हेयर कट एकदम अच्छे से आ जाती है. किसी को भी अच्छे से हेयर कट करना हो तो इसी टेक्निक से करो, पहले बीच में की गाइडलाइन काटो और उसी की गाइडलाइन से दोनों तरफ के बाल काटो, अच्छे से अच्छे हेयर कटिंग आ जाती है. जो नए नए पार्लर सीख रहे हैं या पार्लर का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है इस टेक्निक से बाल काटना. फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा एक ही कपड़े पर आ जाती हूँ, घर के कपड़े पर ही मैं पार्लर चलाती हूँ, क्योंकि पार्लर भी घर में ही है, दुकान अलग से बनाया है पर घर में ही पार्लर का शॉप है हमारा. तो मैं घर के ही कपड़े पर रहती हूँ और वही कपड़े रिपीट हो जाते हैं. मैं बाकी यूट्यूबर देखती हूँ तो वो बहुत अच्छे अलग अलग से कपड़े पहनते हैं, पर मुझे उतना टाइम ही नहीं रहता. आगे कोशिश करूँगी मैं अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनकर पार्लर में आपके साथ वीडियो शेयर करूं, क्योंकि मेरी थोड़ी बिजी लाइफ रहती है, इसी वजह से मुझे घर के ही काम बहुत सारे रहते हैं. और मेरा खुद का गार्डन बनाया है मैंने टेरेस पे, मेरे लिए वो भी काम रहता है. फ्रेंड्स, ऐसा रोड पे घर है तो सब्जी वालों का ऐसा गाड़ियों का आवाज़ आता है, तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा. मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर जब भी वॉइस ओवर करो तो कुछ ना कुछ तो आवाज़ आता ही है. और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि बाहर के आवाज़ आते हैं, पर क्या करूँ, घर ही रोड पे है तो आवाज़ तो आएगा ही, तो इसके लिए सॉरी. तो इस तरह से हमने इनकी हेयर कट की है जैसे हमेशा करते हैं, पर जिनको भी पार्लर का कोर्स करना है तो उनको हमेशा ऐसे वीडियो देखने ही पड़ेंगे अलग अलग, तभी आप सीख जाएंगे. जब हम भी सीख रहे थे तो एक कटिंग तो हम बहुत बार देखते थे और प्रैक्टिस करते थे, तभी हमको अभी अच्छे से काम आता है. शुरुआत में तो कोई भी ऐसा ही सीखता है, एक एक कटिंग बार बार करनी पड़ती है. हमें तो अभी 15 साल हो चुके हैं पार्लर चलाते चलाते, तो आगे के इनको थोड़े से लेयर काटनी है, ज़्यादा नहीं, वो भी कट करके दे रही हूँ. और पर इनकी आईब्रो मैंने इतनी अच्छी की है, बहुत जाड़ी थी पर पता नहीं शूटिंग लेना भूल गई, बिजी थी थोड़ी, तो मैं आपको फाइनल आईब्रो का लुक दिखाती हूँ. इनका कटिंग भी की है पर आईब्रो शेयर करना भूल गई. तो मिलते हैं अगले वीडियो में.